दोस्तों फाइनली आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद अपने चैनल पे क्या कमी है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ कैसे आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप खुद देख सकते हैं। फाइनली आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप किसी के लाइव स्ट्रीम में आते हैं, वहां पर आपका नंबर नहीं आ पाता। आप मेरे लाइव स्ट्रीम में आते हैं तो आपका नंबर नहीं आ पाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं एक साथ, तो मैं किस किस के चैनल को चेक करूंगा वहां पर। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि आपको एक चीजें बतानी चाहिए कि आखिर आप खुद कैसे अपने चैनल को चेक कर सकते हैं कि आपके चैनल पे क्या कमी है, किन किन बातों का आपको याद रखना है, किन किन चीजों को चेक करना है, मैं आज आपको बताने वाला हूं गाइस। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं वीडियो अच्छी लगे तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों चलिए यहां पर मान लीजिए आपका नया चैनल है, आपने चैनल बनाया है, आपने 5-10 वीडियो, 4 वीडियो आपने डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको कैसे चेक करना है कि आपके चैनल पे क्या कमी है। आप जैसे हमारे पास आते हैं, किसी और यूट्यूबर के पास जाते हैं लाइव स्ट्रीम में, या फिर लिंक भेजते हैं कि सर हमारा चैनल चेक कर लीजिए कि किस कमी है, क्या कमी है इसमें आप बता दीजिए, तो वहां पर यार इतने सारे चैनल्स आ जाते हैं। मैं अपनी ही बात करूं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे मेल आ जाते हैं कि मैं सभी के चैनल को नहीं चेक कर पाता हूं। तो फाइनली मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बनानी चाहिए, और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लगता है कि मुझे कि ये पॉइंट्स से अगर आपका चैनल सही होता है तो आप इन्हें जरूर ट्राई करना अपने खुद से। मैं चाहता हूं आप खुद पहले ट्राई करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात हो तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 कि आपका चैनल जो नेम है वो सर्च लिस्ट में आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने जो चैनल बनाया है वो सर्च लिस्ट में आना चाहिए, सर्च में आना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से आप बोलते हैं कि भाई ये मैंने एक चैनल बनाया है, मान लीजिए किसी भी दोस्त को आप बोलते हैं कि भाई मैंने एक चैनल बनाया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो या फिर देख लो कैसा चैनल है, तो वहां पर अगर वो बंदा आपका नाम डाले जो चैनल नेम है, तो वहां पर आपका चैनल नेम पहले ही आ जाना चाहिए। काफी सारे मैंने चैनल देखे वहां पर नेम नहीं आते, तो यूनिक नेम आपको रखना है अपने चैनल का। और सर्च में लाने के लिए कैसे आएगा वो तो मैं एक फाइनली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं कि सर्च में कैसे लाया जाता है फाइनली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर मैंने बताया है कि सर्च में लाने के लिए आपको अपने क्रोम पर अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है और नीचे सेटिंग पर जाना है। ठीक है, अब यहां पर जनरल का ऑप्शन है, चैनल का, चैनल पे अब चैनल कीवर्ड्स आपको डालने। ठीक है, देखो ये जो पहला वाला पॉइंट बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके चैनल की जो वीडियोस हैं, आपका चैनल किस कैटेगरी के वीडियोस पर रिकमेंड करेगा यूट्यूब, किस कैटेगरी के चैनल के वीडियोस में रिकमेंड करेगा, किस टाइप की ऑडियंस को आपका वीडियो दिखाए वो, सबसे बड़ा बात तो यही ना भाई। मान लीजिए हमने चैनल का नाम रख लिया, हमने वीडियो अपलोड कर दिया 5-10, ठीक है, हमने वीडियो बहुत अच्छे बना लिए, कैसे भी आपने बना लिया, ब्लॉगिंग का बना लिया, आपने कुकिंग का बना लिया, गेमिंग का बना लिया, अब वहां पर वो डिसाइड क्या करेगा, कैसे डिसाइड करेगा कि आपका चैनल किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको चैनल का नाम लिखना है, ये देखो चैनल कीवर्ड्स है ना, यहां पर चैनल कीवर्ड्स आपको डालने हैं सर्च में लाने के लिए। ठीक है, और यहां पर अपने चैनल के कुछ कीवर्ड डालने हैं जिस रिलेटेड आपका कंटेंट है। ठीक है, जैसे YouTube से रिलेटेड आप बना रहे हो, YouTube कुकिंग का है, तो सारी चीजें आप बड़े चैनल्स को एक बार देख लीजिए कि उन्होंने क्या रखा हुआ है, उसी टाइप का आपको कीवर्ड डाल देना है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट नोट डाउन कर लेना, अब जब आप नया चैनल आप बनाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल को खुद से चेक करें, तो आप क्या करें, दूसरे नंबर पर आप अपने चैनल का कीवर्ड, चैनल कीवर्ड जानते हैं, चैनल जैसे कि आपने बनाया, जैसे मेरा है टेक चैंपियन सपोर्ट, ठीक है, आपका जो भी होगा, तो आपको क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन के पार्ट में हैशटैग अपने चैनल का नाम, जैसे मैंने टेक चैंपियन सपोर्ट है, ये आपको सभी वीडियो में यूज करना है अपने डिस्क्रिप्शन में, और टैग में अपने चैनल का नाम डालना है, टैग चैंपियन सपोर्ट, जैसे मेरा है तो अपने हर वीडियो के टैग में अपने चैनल का नाम, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का हैशटैग लगा के लिखना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका चैनल रैंक में भी नहीं आता है, जैसे आप वीडियो डाल रहे हो 10-15 वीडियो डालते हो तो नहीं आता है, जब आप ये सारी चीजें अपने हर वीडियो में अपने चैनल का नाम यूज करेंगे, हैशटैग में हैशटैग चैनल का नाम यूज करेंगे, तो इससे आपकी वीडियो धीरे धीरे रैंक में आएगी, और उससे क्या होगा कि आपको कोई भी जैसे भी आपका नाम डालेगा तो वहां पर आपका चैनल या फिर आपका वीडियो आ सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अपने अपने चैनल का एक ब्रांड, मतलब एक हैशटैग बनाइए एक, और हर एक वीडियो में अपने चैनल का नाम यूज करना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों जो आप लोग गलतियां करते हैं। अब देखिए यहां पर अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप जिस भी टाइप का कंटेंट है आपका, जिस भी टाइप का है आप अपने चैनल पर डाल रहे हो, मुझे पता है
आप उसी टाइप के कम से कम एक दो वीडियोस डाल के काम नहीं चलने वाला। ब्लॉगिंग का है माय फर्स्ट ब्लॉग, वो तो अलग चीज है, ठीक है, वो तो पीपल एंड ब्लॉग्स में आ गया। अब आपका किस चैनल कैटेगरी है, अगर कैटेगरी आपको नहीं पता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी पे जाएगा, तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, इस वीडियो को देख लेना, मैंने एक वीडियो बनाई है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका चैनल किस कैटेगरी में रखना चाहिए, वो आप वहां से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक मेन पॉइंट बताने वाला हूं, क्या है वो गौर से समझना, कि जब आप अपने चैनल पे 5-10 वीडियो डाल लेंगे, ठीक है, अपने वीडियो डाल लिया, अब वहां पर कुछ चीजें आपको चेक करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने टेक कैटेगरी पर डाला, ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा, YouTube को कैसे पता चलेगा, या फिर आपकी वीडियो किस वीडियोस के सजेशन में जा रही है, किस चैनल के सजेशन में जा रही है, किस टाइप के कीवर्ड्स में आपकी वीडियो रैंक कर रही है थोड़ा बहुत, ठीक है भाई, स्टार्टिंग में तुरंत तो आपको पता नहीं चलता है, कुछ दिन के बाद ही पता चलता है, कि 24 घंटे 48 घंटे के बाद ही आपको पता चलता है कि आपके वीडियो या फिर आपका चैनल किस टाइप के चैनल के रिकमेंडेशन में जा रहा है, सजेशन में जा रहा है, और किस टाइप के वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, वीडियो जा रहा है। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अपने जो स्टूडियो ऐप है उसको ओपन करना है, और यहां से आपको रीच पे जाना है, ठीक है, रीच पे जाना है। रीच पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, और यहां पर आपको पता चलेगा, ये यहां पर क्या है, ये सॉरी नीचे टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, ठीक है, ये देखिए यहां से आपको ये पता चलेगा कि जो आपने वीडियो डाले हैं आखिर यूट्यूब सर्च टर्म में क्या, कौन से कीवर्ड्स पे आपकी वीडियो रैंक पे आ रहा है, कोई भी वीडियो आ रहा है, कोई तो आएगा, या फिर आपके चैनल के नेम से आएगा, जैसे मेरा चैनल नेम है माय फर्स्ट ब्लॉग है, यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, जैसे मेरी वीडियोस है, तो इससे आपको ये आइडिया मिलेगा गाइस कि आपका चैनल किस टाइप के वीडियो पे आ सकता है, किस टाइप के चैनल पे आपका चैनल जाएगा, ठीक है, और किस टाइप के वीडियोस पे आपका चैनल रैंक कर रहा है, किस टाइप के टैग में जो ये कीवर्ड्स है, ठीक है। तो आपको आगे से याद रखना कि ये सारे कीवर्ड्स आपको अपने वीडियो में यूज करना है टैग में, बात समझना, सभी वीडियो के थोड़ा बहुत जो मेन कीवर्ड्स है जिस पर ज्यादा सर्च आ रहा है, तो इनको प्रॉपर तरीके से सभी में कॉमन आपको यूज करना है, ठीक है, 2-3, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, टॉप वाले, बस टॉप वाले, ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज ये देखनी है, नीचे टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कंटेंट, इससे आपको ये पता चलेगा अगर कोई भी अदर वीडियो का चैनल आपके उसको सजेस्ट कर रहा है ना, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका वीडियो किस टाइप के वीडियो के रिकमेंडेशन में जा रहा है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि अब मुझे इस टाइप के वीडियो बनाने चाहिए ताकि और मेरा वीडियो उस टाइप के कंटेंट में सजेशन में जाए, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ये यहां से देखना है, ये आपको तुरंत नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो कि आप अब इसके बाद आपको इतना नॉलेज हो गई, आपने ये सारी चीजें चेक कर ली, ठीक है, उसी बिहाफ में आपको काम करना चैनल पे। अब चौथा पॉइंट, आपको यह गलती अपने चैनल पे नहीं करनी, जिस भी टाइप का आपने पहले कंटेंट बनाया था, जिस टाइप के कैटेगरी में आपने अपने चैनल को रखा था, जिस टाइप का वीडियो डाल रहे थे, आपको वो कैटेगरी, वो नीच आपको छोड़नी नहीं है। मैंने कई सारे चैनल पे गलती देखी है कि आपको खुद चेक करना है कि मैंने क्या ऐसी गलती की है कभी फ्यूचर में, कि मैं पहले कुछ और डालता था, मैं पहले मोबाइल ऐप्स या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर बैंकिंग ऐप्स बताता था, और आज मैं कुछ और बता रहा हूं। इससे आपको पता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, YouTube पर जब आप अपना चैनल बनाते हैं, जब आप स्टार्टिंग में जो वीडियोस डालते हैं, उसी से आपका चैनल का ये डिसाइड हो जाता है कि आपका चैनल इस लाइन पर जा रहा है, इस टाइप के ऑडियंस के पास जाएगा, इस टाइप के वीडियो के पास जाएगा, रिकमेंडेशन में जाएगा, YouTube ऑटोमेटिक वो सजेशन कर देता है, उसको आपको डिफाइन कर देता है कि आपका चैनल इसी टाइप के कंटेंट पे जाएगा और इसी टाइप के चैनल के वीडियोस में आपका रिकमेंड करेगा उसी ऑडियंस को। अब वहां पर आप गलतियां क्या कर जाते हैं, आप अपने कंटेंट को चेंज कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। ये चैनल पे आपको चेक करना है खुद जाकर कि मैंने अपने चैनल पे ये गलती तो नहीं की, अगर आपने ये गलती की है तो उसको आपको सुधारना है, सुधारने की जरूरत है, बात समझ लेना, क्योंकि मैंने काफी सारे चैनल्स देखे जहां पर ये गलतियां हो रही थी, पहला कुछ और कंटेंट था 1 साल पहले 6 महीने पहले, और अब कुछ और कंटेंट है, और फिर आने वाले दिनों में कुछ और कंटेंट हो जाएगा। आपको अपने कैटेगरी से ही अपने चैनल से जो वीडियोस है उसी से रिलेट करके आपको वीडियो बनाने हैं, बात समझ लेना, ठीक है। अब ये गलती आपको फाइंड आउट करनी। पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जो मैं भी देखता हूं और आप लोग भी देखेंगे अपने चैनल पे, थंबनेल। अब आपको ये थंबनेल कहोगे, भाई मैं कैसे जानूंगा कि भाई ये मेरा थंबनेल तो अच्छा है या बुरा है, मुझे पता है आप नहीं जान पाओगे, लेकिन आपको लगेगा आपका थंबनेल बहुत अच्छा है, तो आपको अपने ही कैटेगरी के जो अदर यूट्यूबर है, अब बड़े के क्रिएटर से तो आपका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा जल्दी से, मुझे पता है। अब भाई स्मॉल क्रिएटर जो आपके लेवल में है उनसे तो हो सकता है, आपके बराबरी वाले, ठीक है, अब उनसे आप बात करिए, उनको अपना चैनल चेक करवाइए,
और या फिर आप उन्हीं के चैनल पे जाकर आप खुद कंपेयर कर सकते हैं अपना थंबनेल चैनल थंबनेल और उसका थंबनेल। उसमें आपको दोनों चीजें देखनी है यहां पर कि आपका थंबनेल कैसा है और उसका थंबनेल कैसा है। मतलब कि आप जब उसके थंबनेल को देख रहे हो आपको किस नजरिए से देख रहे हो, मतलब आपको उभर रहा है नहीं उभर रहा है, या फिर आप उसी से चेक करवा सकते हैं। तो इससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि आखिर जो इस चैनल का इस टाइप इस चैनल का जो थंबनेल है, आखिर मेरा जो थंबनेल है कितना ज्यादा डल है या फिर कम है, क्वालिटी कम है या फिर मैंने कैसे बनाया, भद्दा दिख रहा है कैसा दिख रहा है। तो ये आप खुद चेक कर पाएंगे, पता है आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों आपस में मिलके। और अगर जब उससे कंपेयर आप बेस्ट कर लें, उससे आप आपका अच्छा है, तो आप फिर उससे अदर चैनल पे जाके चेक करें कि अब मेरा थंबनेल कैसा है, इनको मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो वही चीज आपको करनी है, थोड़ा सा क्वालिटी ऐसे इंप्रूव करनी है। अब देखो सभी के चैनल मैं नहीं चेक कर पाता हूं, आप लोग आपस में सब कुछ कर सकते हो, चैनल चेक कर सकते हो। अब एक जो मेन पॉइंट लास्ट वाला है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मैं गलती देख रहा हूं बहुत सारे चैनल्स पे, एक्सपेरिमेंट शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो, ये बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो यार। ये गलती मत करना गाइस मेरे, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर जब आपका चैनल क्रिएट किया जाता है, आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं स्टार्टिंग में, तो भाई आपका चैनल शॉर्ट के ही कैटेगरी वाले चैनल्स पे या फिर व्यूवर के पास ही वो यूट्यूब ब्राउज फीचर या फिर रिकमेंडेशन में या फिर शॉर्ट फीड में डालता है। अब यहां पर अगर आप शॉर्ट डाल रहे हैं फिर लॉन्ग डाल दिया, शॉर्ट डाल रहे हैं लॉन्ग डाल दिया, तो भाई साहब आपके लॉन्ग वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे। तभी मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप शॉर्ट बनाने का शौक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइए, आप इस चैनल पे कर रहे थे, और लॉन्ग वीडियो बनाने का है तो नया चैनल बनाइए, इधर से सब्सक्राइबर से आप कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगा, और फिर धीरे धीरे जेन्युइन सब्सक्राइबर जिसको लॉन्ग वीडियो पसंद होगा कम्युनिटी टैब से शेयर करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख कर आप वहां से कम्युनिटी टैब में शेयर करके आप उस चैनल पर ले जा सकते हो। ये प्रॉपर तरीका है। अगर आप शॉर्ट वीडियो का चैनल बना रहे हो तो वहां पर थंबनेल लगाने की कोशिश करिए थंबनेल, ताकि अगर यूट्यूब आपके वीडियोस को आपके सब्सक्राइबर तक या फिर अदर चैनल के ऑडियंस के सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अगर थोड़े बहुत भी इंप्रेशन जा रहे हैं तो वहां पर वो क्लिक कर सके उस थंबनेल को देख के। वहां पर अगर थंबनेल नहीं लगाओगे, अगर वीडियो जाएगा भी ब्राउज फीचर में, तो फिर वहां पर यार आपको व्यूज नहीं आएंगे, वो क्लिक ही नहीं करेगा। तो थंबनेल जरूर लगाना है आपको अपने उसमें। और एक चीज मैंने आपको बताई है कि हर एक वीडियो का जो है एसईओ आपको चेक करना है, एसईओ आपको चेक करना है, ठीक है, टैग रैंक कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितने टैग रैंक कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो एप्लीकेशन है यहां पर मैं आपको चेक करवा देता हूं कौन सा है, ट्यूबबडी, ट्यूबबडी इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं, और अपने चैनल से इसको आपको साइन अप करना होगा, ठीक है, लिंक करना होगा, साइन इन करना होगा, और फिर आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके चैनल के वीडियोस कितने रैंक पे हैं, आपके कंटेंट पे आपने जो वीडियो डाला है उसमें थंबनेल आपने अच्छी एचडी क्वालिटी का लगाया नहीं लगाया, आपने इंड स्क्रीन लगाई नहीं लगाई, सारी चीजें आप यहां से चेक कर सकते हैं, और आपको ये बताता रहेगा कि आपके वीडियो में कितना लाइक आया है कितना डिसलाइक आया है, सारी चीजें आपको जैसे कोई भी वीडियो आप डाल रहे हो तो यहां पर वीडियो का सारी परफॉर्मेंस बताएगा कि लाइक कितने आ रहे हैं, थंबनेल की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, जो आपने टैग लगाए हैं टाइटल लगाए हैं उसकी लेंथ कैसी है, ठीक है। और यहां दोस्तों ये ट्यूबबडी ऐप है, इससे आप टैग भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपने टैग अपने वीडियो में लगाया है उसके रिगार्डिंग और काउंट कौन से टैग आ सकते हैं, वो कितने कंपटीशन है उसमें, कितना रैंक कर रहा है, कितने लोग, कितने सर्च वॉल्यूम है उसका, सारी चीजें आप इससे फाइंड आउट कर पाएंगे अपने फोन से ही। तो फाइनली गाइस यही एक तरीका होता है अपने चैनल के वीडियोस को चैनल चेक करना, ये खुद से तरीका होता है गाइस। आप सभी के लाइव स्ट्रीम में आके परेशान होते हैं, पैसा देते हैं, तो मैं चाहता हूं पहले आप खुद ट्राई करिए, चेक करिए कि आखिर आपने क्या गलती की है। और एक चीज, वीडियो को प्ले करके देखिए, दूसरों से प्ले कराइए कि आपने आप जो बोल रहे हैं ना, मैंने काफी सारे चैनल्स पे देखा है भाई साहब बैकग्राउंड पता नहीं कैसा आ रहा है, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन लगाया सही से वो भी सही से नहीं चल पा रहा है, वो भी ब्लर कर रहा है ग्रीन स्क्रीन जो यूज किया है, और साथ ही साथ बोल रहे हैं तो इधर इधर देख रहे हैं, इधर ऐसे कैमरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसे कैमरे की तरफ नहीं स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, मतलब लग रहा है कि वो दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये चीजें सुधारनी है। पता लग रहा है, मैंने देखा काफी सारे चैनल्स पे टेक्निकल किलर करके हैं भाई, उनको मैंने इतनी बार बताया है, टेक्निकल करियर ये भाई साहब है, इनको इतनी बार बताया मैंने कि भाई आप अपने चैनल्स के जो वीडियोस हैं आप जो बोलते हो आपकी आवाज पहले आ जाती है, आप बोलते बाद में हो,
तो ये आवाज का जो वॉइस मुंह का जो है ये मिसमैच बहुत करता है, तो इसको आपको सही करना है। ये डिले जो टाइम चलता है, थोड़ा सा टाइम डिले होगा उसी की वजह से आपकी पूरी आवाज खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है अपने चैनल पे, तभी आप अपने चैनल को अच्छे से ग्रो करा पाओगे। ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करूंगा कि आप जब मैंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं आप इस पॉइंट्स पे अपने चैनल पे अप्लाई करेंगे, एक बार चेक करेंगे। फिर भी अगर नहीं होता, आपको संतुष्टि नहीं होती, तो मैं लाइव स्ट्रीम आता हूं, इंस्टाग्राम पे भी लाइव स्ट्रीम आता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलता हूं एक और कमाल की नई वीडियो में गाइस। जय हिंद, जय भारत।